उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक प्रदेश में 90 दिन तक भवन निर्माण के कामों में मजदूरी कर लेंगे तो वह विभाग की उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। इसके तहत श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की मुफ्त पढ़ाई, बीमारी में सहायता व 5 लाख का बीमा समेत 17 तरह की अन्य राहत देने वाली योजनाओं की सुविधा पा सकेंगे। गरीब की मौत होने पर उसके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। परिवार में किसी अन्य के न होने की दशा में अंत्येष्टि की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होगी। वहीं कोई शख्स भुखमरी का शिकार न हो इसके लिए उसे राज्य वित्त आयोग से 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें डाई, फर्निशिंग, मशीन समेत जरूरी उपकरण दिए जाएंगे। इससे विदेशों, खासकर चीन से आयात होने वाली मूर्तियों पर निर्भरता कम होगी और दीपावली पर स्थानीय मिट्टी कारीगरों का व्यवसाय बढ़ेगा, उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गोरखपुर, वाराणसी एवं लखनऊ में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह जानकारी प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग डॉक्टर नवनीत सहगल ने शुक्रवार को गोरखपुर व लखनऊ से मिट्टी के कारीगरों के साथ बैठक के दौरान दी। दुनिया के टॉप कंप्यूटर साइंटिस्टों में भी इंडिया का दबदबा है। इस सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले यूएसए के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर अनिल कुमार जैन इंडिया के रहने वाले हैं। उन्होंने IIT कानपुर से बीटेक की पढ़ाई की है। वे 1969 बैच के छात्र हैं। उन्होंने कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने इस उपलब्धि को ट्वीट कर साझा किया है। उन्होंने कहा कि अनिल कुमार जैन लगातार तीसरी बार इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। कानपुर की GSVM मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर आरती लाल चंदानी के समर्थन में शुक्रवार रात डॉक्टरों की संस्था IIM खुलकर सामने आ गई। उन्होंने प्राचार्य को कोरोना वॉरियर बताते हुए उन्हें प्राचार्य पद पर बनाए रखने की मांग की है।